Alright guys, finally welcome back again on the video of Minecraft. मुझे पता है मैं चैनल का पासवर्ड भूल गया था, इसलिए बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Minecraft Pocket Edition में सिनेमैटिक मोड या फिर रिप्ले मोड ऐड कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे कूल कूल से रिप्ले वाले वीडियो बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ओके, तो मैं 1.20 में खेल रहा हूँ। इस वाले मोड का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा कहीं पर। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको उसे डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको इसे अपने माइनक्राफ्ट में इम्पोर्ट कर लेना है। आपको अपने माइनक्राफ्ट के बिहेवियर पैक एंड रिसोर्स पैक में से लगा देना है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप चाहो तो इन्वेंटरी में से ये वाले टूल्स निकाल सकते हो, लेकिन ये वर्क नहीं करेंगे। तो अगर आपको इसे वर्क कराना है तो इसके लिए आपको कमांड डालनी पड़ेगी, फंक्शन स्टार्ट। आपको यहाँ से देख लो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लो। फंक्शन स्टार्ट कमांड करने के बाद आपके माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में आपकी इन्वेंटरी में ये सारे टूल्स आ जाएंगे। जिनका यूज क्या है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सिनेमैटिक टेलर, इसका यूज करके आप जब पूरा सेटअप हो जाएगा देन उसके बाद आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, जो कि बाद में करेंगे। सेकेंड है क्रिएट सिनेमैटिक मार्कर, इसका यूज करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका कैमरा कहाँ से होकर कहाँ तक जाएगा। गजब का टूल है भाई। थर्ड टूल है क्रिएट फोकस मार्कर, इसका मतलब ये है कि आपको जिस चीज पर फोकस करना है इसे वहाँ पे रखना होगा। सेकेंड है क्लियर मार्कर्स, आपने जितने भी मार्कर्स लगाए उन्हें इससे आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद है इंक्रीज मूवमेंट स्पीड, इसका यूज करके आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, इसकी चलने की स्पीड। एंड इसके बाद है डिक्रीज मूवमेंट स्पीड, इसका यूज करके आप इसकी मूवमेंट घटा सकते हैं, यानी चलने की स्पीड को घटा सकते हैं। और यहाँ पे है रीसेट मूवमेंट स्पीड, इसका यूज जैसे ही आप करोगे आपकी जो भी स्पीड है वो एक पे आ जाएगी, एकदम रीसेट हो जाएगी। ये हेल्प मी है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड लास्ट में एग्जिट, इसका यूज करके आप इस वाले मोड से निकल सकते हैं। तो इसका यूज आपको पता चल गया होगा, अब कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लोकेशन देख लेता हूँ जहाँ पे मैं इसका यूज करने वाला हूँ। फिलहाल मुझे ये लोकेशन ज्यादा अच्छी लग रही है। एंड हाँ, अगर आप पॉकेट एडिशन में कर रहे हैं तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। एंड मैंने यहाँ पे फोकस सेट कर दिया है, मैं चाहता हूँ कि यही पे कैमरा है। देन अब अपना सेकेंड वाला जो है उसे उठा के मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे एक राउंड लगाया जाए, मतलब इस पहाड़ को गोल गोल राउंड से देखा जाए। तो मैं यहाँ पे इसे होल्ड करके पुट करता हुआ चला जाऊंगा। एंड आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं, आप जो भी करना चाहें। फिलहाल ये बहुत ज्यादा ईजी है, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, पहली बार किया था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मुझे एक यहाँ पर भी मार्कर रखना है यार। ओके, तो मेरा इतना काम हो चुका है। एंड अब मैं चाहूंगा कि थोड़ी इसकी स्पीड बढ़ा लूं, जो कि मैंने मैक्स इसमें 4 होती है लेकिन माइनस में ये 5 तक चला जाता है। इसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड हाँ, आप एक चीज यूज कर सकते हो, अगर आप पॉकेट एडिशन में कर रहे हो तो आप पहले ही हाइड हैंड कर देना, जिससे क्या होगा कि आपके सामने यूआई नहीं दिखेगी। फिलहाल यहाँ पे सिनेमैटिक मोड बहुत ज्यादा स्मूथ है और अच्छा भी देखने में लग रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड हाँ, अभी हमने रिसेंटली 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं, तो अपना नेक्स्ट टारगेट है 5K सब्सक्राइबर। तो जल्दी से सब्सक्राइबर कर दो, 3000 और अपन 5K पे पहुंच जाएंगे।